दोस्तों वंदन अभिनंदन। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती क्लास 11th के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों 11th केमिस्ट्री में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये एस ब्लॉक के तत्व अपने अंदर क्या गुण रखते हैं, क्या इसमें कुछ विशिष्ट है, ये सब कुछ आज की वीडियो में बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों आप यदि हमारे नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आपको दोस्तों ये मजा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व मेरे भाई, सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि जो एस ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है, होते क्या हैं। तो मेरे भाई एस ब्लॉक के तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है। आपको मेरे भाई पता है उपकोषों की संख्या चार है, एस पी डी और ये आपका एफ, ये चार उपकोष है ना। तो ऐसे तत्व जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो आपका एस उपकोष में प्रवेश करता है, उन तत्वों को हम बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। आपने आबाहु नियम पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है आबाहु नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। आगे आगे मेरे भाई, जो एस ब्लॉक के तत्व हैं इनको दो वर्गों में रखा गया है, इनको दो वर्गों में रखा गया है एस ब्लॉक के तत्वों को, जिसमें से आपका वर्ग नंबर एक मतलब ग्रुप एक और ग्रुप सेकंड, वर्ग एक और वर्ग दो है ना, ये दो वर्गों में रखा गया। तो ये दो आपको वर्ग हैं, ये दोनों वर्ग आपके एस ब्लॉक के हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं, इनमें क्या गुण है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, जो वर्ग एक के तत्व हैं इन वर्ग एक के तत्वों को हम बोलते हैं क्षार धातु। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, क्षार धातु, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली, ठीक है। क्या बोलते हैं, एल्कली, ठीक है, एल्कली, सॉरी एल्कली ए मेटल, एल्कली मेटल, क्षार धातु मतलब एल्कली मेटल हम बोलते हैं वर्ग एक के तत्वों को, ठीक है। अब आगे मेरे भाई, ये वर्ग एक के तत्व हैं, इनको याद करने की एक ट्रिक है जो है हमारी हेलिना की रब से फरियाद, मतलब हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना नाम की एक लड़की है वो रब से फरियाद कर रही है, आप इस टाइप से याद रखना, हेलिना नाम की एक लड़की है और वो रब से फरियाद कर रही है। तो ट्रिक है हमारी हेलिना की रब से फरियाद। है से बनेगा एच, एच होता है हाइड्रोजन। ली से बनेगा एल आई होता है लिथियम। ना से बनेगा एन ए, एन ए होता है सोडियम। की से बनेगा का होता है, की से बनेगा आपका के होता है आपका पोटेशियम। रब से बनेगा आर बी होता है रोबेडियम। से बनेगा सी एस होता है सीजियम। और आपका जो फरियाद है, फरियाद से बनेगा फरियाद, एफ आर है आपका फ्रेंसियम, है ना। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। ओके मेरे भाई, आपको अब परमाणु क्रमांक जो बता, परमाणु क्रमांक को कैसे याद रखें, तो मेरे भाई परमाणु क्रमांक को याद रखने की एक ट्रिक है हमारे पास जो मैजिक ट्रिक कहलाती है, वो है हमारी 2 8 8 18 18 32। ये आपकी मैजिक नंबर है, ये मैजिक नंबर, इससे आप परमाणु क्रमांक याद रखते हो, ठीक है। तो देखो भाई, है ना, यहाँ पर आपका जो परमाणु हाइड्रोजन का, तो हमें पता है परमाणु क्रमांक एक होता है, ठीक है। एक में आपको क्या करना है, दो जोड़ना है तो आपको मिल जाएगा तीन, ठीक है। तीन में आपको कितना जोड़ना है, आठ जोड़ना है तो आपको मिल जाएगा 11, ठीक है। 11 है ना, 11 में आपको आठ जोड़ना है मिल जाएगा 19, 19 में आपको 18 जोड़ना मिल जाएगा आपको
37, क्या मिल जाएगा 37, ठीक है। और 37 में आपको 18 जोड़ना है, ठीक है। 37 में आपको कितना जोड़ना है, 18 जोड़ना है, तो आपको मिल जाएगा 55, क्या मिल जाएगा 55। और आपको 55 जो है उसमें 32 जोड़ देना है, तो आपको मिल जाएगा 87, 87। इस ट्रिक के माध्यम से परमाणु क्रमांक में मेरे भाई हम चुटकियों में याद रख सकते हैं, ठीक है। हेलीना की रफ से फरियाद, ठीक है, हेलीना की रफ से फरियाद, ठीक है। चलो समझ गए ना मेरे भाई, ये हमारे वर्ग एक थे, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं क्षार धातु। क्षार धातु मेरे भाई हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो तत्व होते हैं जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। अगर हम इन तत्वों को जल में मिला दें तो ये बना लेते हैं क्षार, इसलिए हम बोलते हैं इनको क्षार धातु। समझ रहे हो ना मेरे भाई। आगे आपको और चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा कैमरा को स्ट्राइप कर दो, थोड़ा सा यहां देखने लगे, ठीक है, ओके है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार धातु। अब आगे मेरे भाई, अगर क्षार धातु है ये, ठीक है, तो ये जो क्षार धातु है जल से क्रिया करके क्षार बनाती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं क्षार धातु या एल्कली, ठीक है मेरे भाई। ये आपका ग्रुप नंबर एक है, आपका ये ग्रुप नंबर एक है, वर्ग नंबर एक है, इसलिए इन जो ये तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, मतलब हम ऐसा कहते हैं जो वर्ग एक है, वर्ग एक के जितने भी तत्व हैं इनकी जो अंतिम कक्षा होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये जो तत्व होते हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। इसलिए जो ये तत्व हैं इनकी जो संयोजकता होती है, क्या होती है, संयोजकता, यहाँ दिख रहा है क्या, ठीक है, इनकी जो संयोजकता होती है मेरे भाई, वो संयोजकता केवल और केवल एक होती है, क्या होती है, एक, ठीक है। अगर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो वो होती है +1, क्या होती है, +1, ओके। आगे बात करें तो मेरे भाई, आगे ये बात करें तो इनका देखो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, और आपको पता है एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं, तो मेरे भाई इसके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका NS1 होता है, क्या होता है, NS1, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में तो जाएगा लेकिन वो एस होगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है इन तत्वों का, ठीक है। तो ध्यान रखना संयोजकता एक है ना, NS1 अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे मेरे भाई अगर हम इन पे बात करें तो ये जो है हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए, इस हाइड्रोजन वाले बंदे को छोड़ दिया जाए तो सभी तत्व क्या है, धातु है, सभी तत्व क्या है, धातु। लेकिन हाइड्रोजन अब क्यों छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन क्या है, तो मेरे भाई जो हाइड्रोजन है वो धातु भी है अधातु भी है, मतलब आपका जो हाइड्रोजन है उपधातु है, उपधातु वह होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों होते हैं, क्लियर हुआ। तो ये हमारा ग्रुप नंबर एक, वर्ग नंबर एक हमारा इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आ जाते हैं मेरे भाई वर्ग नंबर दो, वर्ग दो, वर्ग दो के जो आपको याद रखने की जो ट्रिक है वो है आपकी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वाह क्या बात है सर, बेटा मांगे कार स्कूटर, मतलब कार भी और स्कूटर भी, गलत बात है ना भाई, पढ़ाई की उम्र है, नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, गलत है ना मेरे भाई, नहीं है ना। तो क्या कह रहा है, बेटा जो है अपने बाप से मांग रहा है कार भी और स्कूटर भी, और जो पिताजी हैं है ना वो राजी भी हो गए, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ाई की उम्र में तो कदापि नहीं, ठीक है। बस मेरे भाई याद करने की ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा, बेटा से बनेगा आपका बीई, बेटा, समझ गए ना, है ना। बीई होता है बेरिलियम, मांगे से बनेगा एमजी, मांगे एमजी मैग्नीशियम, ठीक है। कार से बनेगा सीए, कार है ना, तो आपका ये कैल्शियम है ना। स्कूटर से बनेगा स्कूटर आपका, आपका एस आर, क्या बनेगा, एस आर, एस आर क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्शियम है ना। बाप से बनेगा बी, सॉरी हाँ, बाप से बनेगा बी ए, बाप है ना, बेरियम होता है ना। और राजी से बनेगा आर ए, जो आपका होता है रेडियम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। अब हमें परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6, कितने तत्व हैं, 6 है ना, तो हमारी जो ट्रिक लगेगी वो 6 की नहीं लगेगी, एक कम की लगेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तत्व थे, तो हमने 6 की ट्रिक लगाई थी, है ना। अब यहाँ 6 तत्व हैं तो ट्रिक हमारी 5 की लगेगी, एक कम का लगेगा, ठीक है। ट्रिक हमारी पूरी ये होती है। अब एक कम की तो सर वो कहाँ से छोड़े, तो सर वो आप आगे से छोड़ो, आगे का आपका जो है दो है उसको आप छोड़ दो, उसको ना आप गोला लगा दो, ठीक है।
इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। 4 में 8 जोड़ दो हो गया 12, 12 में 8 जोड़ दो हो गया आपका 20, 20 में 18 जोड़ दो आपका हो गया 38, यहाँ पर 18 जोड़ दो हो जाएगा 56, और यहाँ पर 32 जोड़ दो हो जाएगा 88। ये हो गया परमाणु क्रमांक। आगे मेरे भाई जो वर्ग दो है, इस वर्ग जो दो है, इस वर्ग दो को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। क्लियर हुआ? क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल के लाइन, एल के लाइन, ठीक है, अर्थ मेटल, एल के लाइन अर्थ मेटल, ठीक है, मेटल। ओके, चलो क्लियर हुआ ना मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे मेरे भाई कहानी इसकी ये है कि मेरे भाई आपका जो वर्ग दो है, इस वर्ग दो में सभी तत्व धातु है। पहले तो आप ये सुन लो, सभी तत्व क्या है इसमें? धातु है, सभी तत्व धातु। अगली कहानी आपकी ये है, सभी तत्व धातु हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली कहानी इसकी ये है कि वर्ग दो है, इसके लिए आपका जो वर्ग दो के जितने भी तत्व हैं, इनके अंतिम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होने के कारण मेरे भाई इनकी जो संयोजकता होती है, क्या होती है? संयोजकता होती है, वो संयोजकता दो होती है। क्या होती है? दो, है ना, और ऑक्सीकरण अवस्था प्लस दो, है ना। संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर तो जानते हो, ऑक्सीकरण अवस्था में हम प्लस माइनस बताने की जरूरत होती है, लेकिन संयोजकता में नहीं, तो प्लस दो, क्योंकि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। अब इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो आपका अंतिम, देखो एस ब्लॉक के हैं, अंतिम आपका एस तो होगा ही होगा, एस तो होगा ही होगा, लेकिन एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ग्रुप दो है ना, और आगे लग जाता है कक्षा एन। मतलब इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मेरे भाई, वो होता है आपका NH2, NH2, है ना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। तो इतना आपको समझ में आया ना मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सब हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आगे और चीजों को बताता हूँ। आगे और चीज ये है मेरे भाई, जो एस ब्लॉक के ये वाले और वर्ग एक और वर्ग दो के जो तत्व हैं, सबसे ज्यादा धन विद्युतीय तत्व हैं। इनका जो धन विद्युतीय गुण है वो बहुत ज्यादा होता है, धन विद्युतीय तत्व है। और मेरे भाई ये धन विद्युतीय तत्व होने के साथ इनमें जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है इन तत्वों में बहुत ज्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो दान करता है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, तो इतना सब आपने पढ़ लिया, अब और विशेषताओं को और वर्णन करते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। ये ना एस ब्लॉक के तत्वों के ना हम कुछ गुण पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर स्पष्ट है ना। तो गुण है ना, एस ब्लॉक के तत्वों के ये क्या है? गुण है। एस ब्लॉक के तत्व हमने समझ लिया गुण है ना। आपको देखो, गुण आपका ये है कि इन्हें वर्ग एक व वर्ग दो में रखा गया, बिल्कुल वर्ग एक और वर्ग दो में रखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु हैं। अगर इस हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो ये जो है और ये है सब धातु हैं, कोई भी अधातु नहीं, सब धातु। अब हाइड्रोजन कौन है? तो हाइड्रोजन है मेरे भाई उपधातु, क्योंकि इसमें धातु का गुण भी है और अधातु का गुण भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यह है तत्व प्रबल धन विद्युतीय है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, है ना। ये जितने भी तत्व हैं प्रबल धन विद्युतीय है, मतलब ये जितने भी तत्व हैं सब ना इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उन्हें धनात्मक तत्व बोलते हैं, ठीक है। सब में इलेक्ट्रॉन का गुण दान करने का गुण है ना, बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा होता है, मस्त तरीके से होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो दान करता है वो धन विद्युतीय, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से दान करते हैं, तो ये प्रबल धन विद्युतीय है, ठीक है। ये तत्व प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करना ही साफ अपचायक कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है वो अपचायक होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करना ही क्या है? अपचायक, मतलब ये प्रबल अपचायक है, ठीक है। अब इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब ऑक्साइड क्या है मेरे भाई? ऑक्साइड ना ऑक्सीजन का यौगिक है। किसका यौगिक है? ऑक्सीजन का यौगिक, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने लिख दिया H2O, देख रहा है यहाँ पर H2O। अब ये H2O, इसमें हमने देख लिया ऑक्सीजन है, मतलब ये ऑक्सीजन का यौगिक है, मतलब ये ऑक्साइड है। ऑक्सीजन का जो यौगिक होगा वो ऑक्साइड होगा, ठीक है। इसके साथ अगर लिख दें तो LiO, है ना, सॉरी LiO, है ना। Na के साथ लिख दें तो बन जाएगा Na2O। ये ऑक्सीजन के यौगिक ऑक्साइड है ना। तो मतलब इनके जो ऑक्साइड होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब ये यौगिक बनाते हैं तो वो यौगिक होते हैं क्षारीय। क्षारीय आप जानते हो, है ना, ठीक
ठीक है, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। और ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब ये आयनिक यौगिक क्या है, मतलब ऐसे यौगिक जो आयनों में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने एनए से कोई यौगिक बना दिया, एनए से यौगिक बना दिया एनएसीएल, एनएसीएल। अब ये जो एनएसीएल है ऐसा यौगिक है जो आयनों में परिवर्तित हो जाता है, मतलब आपका अगर इसको तोड़ें तो एनए प्लस और सीएल माइनस बन जाएगा ना। तो ऐसे यौगिक जो आयनों में परिवर्तित हो जाए उसे हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। मतलब ये जितने भी बंधे हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने तत्व, वो सभी तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं, है ना। ये ना मेरे भाई कुछ इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है, ठीक है। इसके बाद आप सातवां पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, है ना, कि इनमें वर्ग एक की संयोजकता एक एवं वर्ग की दो की संयोजकता दो होती है। सातवां पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आठवां पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इनमें वर्ग एक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 एवं वर्ग दो के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, NS1 वर्ग एक का, वर्ग दो का NS2 होता है। इतना आप लिख दोगे मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इतना सब कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हो, जो क्षार धातु पढ़ा है ये वर्ग एक, ये पढ़ा है क्षारीय मृदा धातु, तो आप क्षारीय धातु एवं क्षारीय मृदा धातु में आप अंतर भी लिख सकते हो, अंतर भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये सब बता दिया, तो आप अंतर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना सब हमने पढ़ा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो दिल से ना मेरे भाई वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में पी ब्लॉक के तत्वों के साथ। थैंक यू वेरी मच।